सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। जी हां, दरअसल अशोक ने कहा है कि भारत के 90% मुसलमान कन्वर्टेड हैं और उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से दलित कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए हैं और अब एक बार फिर से नीतीश के मंत्री की तरफ से इस तरह के बयानबाजियां सामने आई हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान बाहर से नहीं आए, ये यहीं के रहने वाले हैं। मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं, लंदन से मुसलमान आए हैं, अमेरिका से मुसलमान आए हैं, ये सब मुसलमान को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपने छुआछूत में फंसा दिया तो सब लोग मुसलमान बन गए, क्योंकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था, उन लोग बौद्धिस्ट बन गए। ये सब तो दलित लोग हैं, ज्यादा 90% तो मुसलमान इस देश में कन्वर्टेड है, कोई अफगान से आए हैं ये लोग मुसलमान, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब ऐसे ही हवा पानी बनाते रहते हैं। तो इस बयान को तोड़ मोड़ कर देखने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, भाजपा के लोग फिर से हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का एजेंडा ही यही है कि कैसे तनाव पैदा हो और उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी साकेत सिंह इस वक्त पटना से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, कोशिश तो यहाँ पर बीजेपी पर हमला बोलने की थी, लेकिन विवादित बयान दे दिया मुसलमानों को लेकर, अब जाहिर सी बात है बिहार में राजनीति इस पूरे बयान को लेकर गर्म होने वाली है। देखिए, बिल्कुल, भले ही जेडीयू इस पर पल्ला झाड़े, लेकिन अशोक चौधरी ने जो बात कही है, एक कार्यक्रम था नालंदा में, भीम सेना को लेकर एक संगठन है उनका, वहां पे कार्यक्रम था, उसमें शिरकत करने पहुंचे थे और उसी समाज से भी आते हैं अशोक चौधरी, तो ऐसे में उनके तरफ से ये कह देना कि जो दलित है, दलित वर्ग बड़ी संख्या में कन्वर्ट हुए मुसलमान में, तो ये बड़ा सवाल है और 90% जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं वो कन्वर्टेड है, ये बात उन्होंने कही है। जेडीयू अब इस पर अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन जिस तरह से अशोक चौधरी ने ये बात कही है, अब इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और बीजेपी खास करके इस मामले को लेकर हमलावर है, क्योंकि बीजेपी पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, लेकिन जेडीयू के नेताओं के तरफ से इस तरह का बयान आ जाना, ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए एक बैठे बिठाए मुद्दा मिलना ठीक है।